तो गाइस अभी मैं हॉर्न वगैरह ले आया हूँ। मैं आपको जो हॉर्न लगा है उसकी साउंड सुना देता हूँ। गाइस बहुत कम आती है, वो भी रेस देने से थोड़ी सी आती है। तो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह, आ जाए नेक्स्ट डे। तो गाइस अभी हम अपने स्कूटर को दिखाने जा रहे हैं। गाइस उसका ना, जब से हमने जैसे इंजन वगैरह का काम करवाया था, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा सा मुगलैल निकलता रहता है। अगर रात को इसे खड़ा कर दो 10-12 घंटे में 3-4 बूंदें उसकी गिरे जाती है, पता नहीं कैसे। तो चेक चोक भी कराया, उसके वजह से हमने, हमें लगा साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम है, हमने नया साइलेंसर भी डलवा लिया, लेकिन फिर भी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अभी वो दिखाने जा रहे हैं क्या हुआ, तो आपको भी दिखाते हैं अभी क्या हुआ है और क्या नहीं। तो अभी आपको सीधे वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मैंने स्कूटर स्टार्ट करे, देखिएगा जी गाइस ऐसे ही निकलता रहता है, पता नहीं कहाँ से। हमने नया साइलेंसर भी डलवा दिया, तो अभी शॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी आपका वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम शॉप के ऊपर पहुँच गए, अभी अंकल यहाँ पर नहीं, उनको फ़ोन कर दियो, कहते आ रहा हूँ मैं। तो फिर चेक कराते हैं क्या हुआ ऐसे क्या नहीं। ऐसे एक दो बार पहले दिखा दिया, अंकल कहते साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने साइलेंसर भी चेंज कर दिया। तो कहे थे वो तो अंकल ने अभी नट वगैरह टाइट कर दिए नीचे। तो कहे यहाँ पर टेप में जैसे हवा सी भर गई है, देख लीजिए। तो अभी ये सेट कराने आया हूँ, ये नहीं तो अगर कोई तेज सी प्रेशर लगा तो ये फट जाएगी यहाँ से, देख लीजिए। अभी इसको सेट करवा लेते हैं। आ गए हम शॉप के ऊपर जहाँ से टेप करवाई थी, अभी करवाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम टेप वगैरह करके अभी वापस घर को आ गए थे, अभी 4 बज रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा जैसे हमारे स्कूटर का हॉर्न चलता है ना, जैसे वो ख़राब हो गया है, तो एक हॉर्न है निजी शॉप के ऊपर देखा था, तो अभी वो देखने जा रहे हैं। अगर वो मिल जाए बढ़िया सा तो वो लगवा देते, क्योंकि वो दूसरा तो ख़राब हो गया है। तो अभी चलते हैं हमारे शॉप के ऊपर, फिर आपको भी दिखाते हैं कौन सा हॉर्न है। तो गाइस अभी मैं हॉर्न वगैरह ले आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ निकाल के। 2 हॉर्न आते हैं गाइस इस बॉक्स में, उनको प्राइसिंग भी दिखा दूँगा। बस ये है हॉर्न, चेक कर लीजिए, लिखा हुआ है ये हॉर्न है कुछ ऐसा। तो ये 2 हॉर्न आते हैं एक बॉक्स में, एक बॉक्स की प्राइस है 280 रुपये। तो 280 रुपये के ये आए हैं ऐसा कुछ बॉक्सेस का जी। अभी स्कूटर में फिट करवाते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम हॉर्न लगाने जा रहे हैं, तो पहले मैं आपको जो हॉर्न लगा है उसकी साउंड सुना देता हूँ। गाइस बहुत कम आती है, वो भी रेस देने से थोड़ी सी आती है। तो गाइस ये आवाज़ है, तो अभी हम दूसरे हॉर्न लगाने जा रहे हैं, देख लीजिए पड़े हैं। तो अभी जाकर लगवाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा सामान लेने आए हैं यहाँ से, देख लीजिए। अगर आपने भी सामान वगैरह लेने तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी एक कहते हैं सिंबल होते हैं हॉर्नों के लिए, 10 सिंबल लेने हैं और 1 हॉर्न वाली रिले और 4 नट बोल्ट लेने हैं। तो अभी हम शॉप के ऊपर पहुँच गए हैं। तो अभी लेते हैं सामान, फिर आपको दिखाते हैं क्या चीज़ होती है। कहते हैं सिंबल से आवाज़ बढ़ी आती हॉर्नों की, तो लगेंगे तो अभी नहीं, तो शाम को लगेगा। अभी अंकल कोई काम कर रहे हैं तो शाम तक लग जाएंगे, तो अभी पहले सामान वगैरह ले लेते हैं। तो गाइस अभी हम शॉप के ऊपर पहुंच गए, अंकल इधर अभी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं शाम को लगाएंगे। और ना अभी बजा कर देख रहे हैं वो अंदर, फिर चलते हैं और जगह देख रहे हैं कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। इधर लगा दी हमने स्कूटर। तो देखिए इधर हम अंकल किसी भी चीज़ का, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल इंजन वगैरह करना तो आप भी करवा सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना तो आप भी कर लीजिएगा। अभी देखते हैं कहाँ हॉर्न अच्छे लगेंगे, तो उधर लगवा देती है। तो गाइस यहाँ देख रहे हैं मैट के ऊपर लगा कर, क्योंकि पहले मैट पर हमने लाइट लगा रखी है, अभी हॉर्न लगा कर देख रहे हैं अगर उस पर लगे तो, देख लीजिए। गाइस पहले हमने यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर भी अच्छा नहीं लगा, फिर यहाँ पर लगे, यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ पर ही ठीक है जैसे पहले लगा था, एक इधर को, एक दूसरा वाला नट उधर लाइट वाला है।
ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है भाई, दूसरी तरह ला दे जिदा पहले लाए थे, इधर एक उधर, वही ठीक है। तो गाय अभी फिट होने लग रहे हैं, नीचे लगा देंगे। ये नट वगैरह लेकर आया था मैं, और एक ये रिले है, इसमें रिले होती है हॉर्न वाली और सिंबल से, देखिए अभी फिट हो गए हैं। तो नीचे को लगते हैं, तो मिलते हैं अभी आपको। तो गाय इधर काम शुरू हो गया, देख लीजिए यहाँ पर नीचे फिट होंगी, जहाँ पर लाइटें लगी उसके नीचे वहाँ पर अच्छी लगेगी। गाइस अभी कनेक्शन वगैरह हो गए हैं उधर वाले हॉर्न के भी, इधर वाले के भी, देख कहाँ लगाएंगे। हाँ बीच में लगा रहे हैं मैट के, तो इधर भी देख रहे हैं कहाँ लगेगा। कनेक्शन वगैरह हो गए हैं, एक स्विच लगाना जो पैर से चलता है ऐसे दबाने से, बाकी तो ठीक है। देख लीजिए लाइट घट बजनी है ना, जड़ी है लाइट ठीक है। हॉर्न फिट हो गए हमारे, अभी कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं इधर, हॉर्न फिट हो गए हैं। तो अभी जैसे आगे काम करते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस ऐसे लगे हैं हमारे हॉर्न, ऐसे लग गए हैं। इसके कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं वो पीछे बैटरी से, देख लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अभी काम चल रहा है, 10 बजे आया था, 12 बज गए हैं, 2 घंटे लग गए। पहले डब्बी सी में लगाया था स्विच, ये हॉर्न चलाने के लिए, पर वो अर्थ नहीं आ रहा तो ये डब्बी निकालनी पड़ेगी। देखते हैं अभी क्या करते हैं, बाकी तो कनेक्शन वगैरह हो गए हैं। तो अभी जैसे भी आगे काम होगा तो फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, 4:15 हो रहे हैं लगभग। तो बैटरी वगैरह चार्ज डेड हो गई, तो बैटरी वगैरह चार्ज करवा कर यहाँ पर रखी। ये बटन है देख लीजिए, डब्बी सी में लगाया है, बाकी अभी कनेक्शन कर रहे हैं, करेंगे अभी। तो 2 घंटे बाद ही आए हूँ, पहले बैटरी चार्ज करने को छोड़ दी, बैटरी हो गई थी डाउन इसलिए कनेक्शन नहीं हुए थे। तो अभी करेंगे दोबारा, तो जब करते हैं तो मिलते हैं आपको। तो गाइस आज हो चुका है अगला दिन, गाइस कल टाइम नहीं लगा था हमें थोड़ा, तो आज अगले दिन हो गए। हॉर्न वगैरह फिट कर दी है, बैटरी कनेक्शन करने है, बैटरी हमने चार्ज करने के लिए छोड़ दी थी, कोई बैटरी इसमें पड़ी है, वो कनेक्शन वगैरह कर कर अभी हॉर्न वगैरह चलाएंगे, तो फिर दिखाते हैं आपको। अभी बैटरी है और तो बैटरी भी देख लीजिए, फिर से बैटरी कारें वगैरह जोड़ कर फिर और करते हैं। तो मिलते भी आपको आगे।